राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी सबसे महत्वपूर्ण ये जलाभिषेक करना काफी महत्व उसका होता है। शिवलिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई लोग अपने घरों में पीतल का शिवलिंग रखते हैं, कई चांदी के रखते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, सही शिवलिंग कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा रहता है जब हम प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर मंदिर में जाके भगवान को गंगा जल इत्यादि पंचामृत इत्यादि से स्नान कराते हैं, ये तो सबसे बेहतर रहता है। लेकिन अगर हम घर में उनको अभिषेक करना चाहते हैं, लघु अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए नर्मदा से आए हुए शिवलिंग का अगर हम घर पर भगवान का पूजन करते हैं शिवजी का शिवरात्रि वाले दिन, तो हमें बहुत ही अचूक लाभ होता है, रोगों का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का ही पूजन घर पे होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अब बात राशियों की कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राशियां हम कब बोलेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बात मेष राशि की, मेष राशि के लिए इस बार कैसा रहेगा महाशिवरात्रि? देखिए, मेष राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भगवान की शिव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेष का स्वामी मंगल है, जिसके तत्व रुद्र हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव भी रुद्र ही हैं साक्षात। तो मेष राशि वालों को पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस से शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे मेष राशि वालों की आर्थिक प्रगति होगी और सारी धन की कमी दूर हो जाएगी। कोई उपाय बताइए कन्याओं के लिए और मेष राशि वालों के लिए, कैसे वो शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, कन्याओं को चाहिए, मेष राशि की कन्याओं को चाहिए कि पूरा श्रृंगार का सामान ले जा करके शिवरात्रि पर माँ गौरा को अर्पित करें, क्योंकि ये दिन उनके विवाह का है। इससे वो अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की, तो आचार्य जी वृषभ राशि के लिए कितना खास होगा? वृष राशि के लिए भी जो शिवरात्रि का ये दिन है, कई वरदान लेकर आया है। अगर वृष राशि के लोग शिवरात्रि के दिन गाय के दूध में सफेद तिल मिला करके भगवान शिव को अर्पित करेंगे शिवलिंग पर जाकर, तो उनको नौकरी में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। अगर ऑलरेडी नौकरी में है तो उनका पैकेज एनहेंस होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो वृष राशि वाले इस प्रकार से शिवरात्रि पर अपना कल्याण कर सकते हैं। ये आचार्य जी मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास होगा आज का दिन? देखिए, मिथुन राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों को सुधारने की जरूरत है। गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे अथवा भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो उनको बहुत ही सुख मिलेगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, रिश्तों में कड़वाहट आ रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और धन लाभ भी होगा। कर्क राशि वालों के लिए आचार्य जी कितना खास होगा? देखिए, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा ही एकमात्र वो ग्रह है जिसको भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि वो थोड़े से बादाम जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे उनके शरीर में शक्ति का संचार होगा, ग्रह कलेश खत्म होगा, बच्चों की शिक्षा में वृद्धि होगी और तरह तरह का धन धान्य उनको मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि की, तो आचार्य जी सिंह राशि के लिए कितना खास होगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए भी शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। किसी भी शिवालय पर जाकर नमः शिवाय दिव्य मंत्र का एक पूरी माला रुद्राक्ष की माला पर जप करें, साथ ही साथ तीन मुखी रुद्राक्ष लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा तथा उनको अचानक धन लाभ का योग बन जाएगा, यानी कि अचानक खुशखबरी के लिए तैयार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्या राशि की, तो आचार्य जी कन्या राशि के लिए इस बार महाशिवरात्रि कितनी खास है? कन्या राशि वालों के लिए भी अन्य राशि वालों की तरह ही शिवरात्रि बहुत खास रहने वाली है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि शिवजी को जाकर के शिवरात्रि वाले दिन बेल पत्र अर्पित करें। बेल पत्र अर्पित करना, क्योंकि इनके राशि का स्वामी है बुध, जो
हरा माना गया है और जो भी हरी वस्तुएं ये शिवजी पर अर्पित करेंगे तो शिवजी इनके सभी कार्यों की बाधा को दूर कर देंगे। तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए आचार्य जी कितना खास होने वाला है? तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जिसको हम शुक्राचार्य के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं शुक्राचार्य ही वो दानवों के गुरु थे, जिन्होंने एक पेड़ पर उल्टा लटक कर धुएं का सेवन करते हुए हजारों वर्ष तक शिव की तपस्या की थी। तो आज बहुत अच्छा होगा कि तुला राशि वाले धूप नैवेद्य इत्यादि जलाएं किसी शिवालय में जाकर, इससे उनका कल्याण होगा, संबंधों में सुधार होगा और नौकरी में उन्नति की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के लिए कितना खास होगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शिवरात्रि अति उत्तम रहने वाली है। देवों के देव महादेव का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप सप्त अनाज लें और उन्हें जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। सात अनाज अगर आज आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए तो अगले कई जन्म के लिए भगवान शिव आपको मालामाल कर देंगे। ऐसा सुंदर वृश्चिक राशि का फल है। तो आचार्य जी, धनु राशि के लिए शिवरात्रि कितनी खास? धनु राशि वाले शिवरात्रि पर औगड़दानी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक जनेऊ का जोड़ा लें और उसको ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने से भगवान शिव धनु राशि वालों से अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और कार्यों में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की। तो आचार्य जी, मकर राशि के लिए कितना खास होगा? मकर राशि का स्वामी शनि है। जब शनि की पीड़ा किसी भी देवता से शांत नहीं होती तो एकमात्र भोलेनाथ ही हैं जो उसकी पीड़ा को भी शांत कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों, अगर आज के दिन आप धतूरा चढ़ाते हैं भगवान शिव को और चढ़ाने के बाद ऊपर से गंगा जल मिश्रित जल को आप भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान के आपको स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं और जो भी मनोकामना कुछ समय से आपके मन में चल रही है भगवान शिव महादेव की कृपा से वो भी पूर्ण हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। तो आचार्य जी, कुंभ राशि के लिए कितना खास होगा? कुंभ राशि वालों के लिए शिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। कुंभ राशि के जो भी लोग क्रॉनिक डिसीजेस से पीड़ित हैं उनको चाहिए कि थोड़ी सी भांग लेकर के वो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अनंत प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही कुंभ राशि वालों को शिवालय में बैठकर ही शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे उनके मार्ग में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। तो अब बात मीन राशि की। मीन राशि के लिए कैसा होगा? मीन राशि वालों को किसी भी पांच तरह का ड्राई फ्रूट भगवान शिव के शिवालय में जाके उनके शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से मीन राशि वालों पर उन्हीं के स्वामी गुरु प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिव ही तो आदि गुरु हैं और मीन राशि के स्वामी हैं। अगर आप उन आदि गुरु का जाकर के अभिषेक ड्राई फ्रूट से आज कर देंगे तो जो वरदान मांग लेंगे उसी वरदान की भगवान शिव पूर्ति कर देंगे। ऐसा सुंदर संयोग बन पड़ा है ये सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग, मीन राशि वालों को बहुत संतुष्टि देने वाली। तो ये तो बात हुई राशियों की, लेकिन आचार्य जी एक सवाल ये भी कि जब हम जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि जलाभिषेक सबसे अच्छा है, गंगा जल से जलाभिषेक करें, ऐसे में कोई मंत्र जो आप बता सके? जलाभिषेक करते समय उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख कर लें। जल जो कि आप शिव जी पर चढ़ाने वाले हैं उसमें पवित्र नदियों का, चाहे तो यमुना जी का, गंगा जी का अथवा नर्मदा जी का जल मिश्रित हो तो बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। जल का अभिषेक करते समय ओम महारुद्राय नमः का लगातार जप करते रहें। ऐसा करने से जो भी मनवांछित मनोकामनाएं हैं भगवान शिव उनको पूर्ण कर देंगे। आचार्य जी ने कहा ये भी जा रहा है कि कुछ राशियां ऐसी भी हैं महाशिवरात्रि के दिन जिन्हें विशेष लाभ मिलेगा, वो राशियां कौन सी हैं? देखिए, चार ऐसी राशियां हैं। सबसे पहले वृष राशि,
दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी है तुला राशि और चौथी है वृश्चिक राशि। ये चार राशियां, ये जो कॉस्मिक एनवायरनमेंट बनता है ना शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन, उसमें एक डिविनिटी होती है, उसमें एक दिव्यता होती है। और कुछ प्लैनेट्स इस तरह के हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जो उस दिव्यता की बहुत अच्छी रिसेप्टर हैं। तो ये चारों राशि के लोग ही, इनके दिन, इनका समय, इनका भविष्य सुधरने वाला है। इस शिवरात्रि के बाद से ही बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी महसूस करें। यानी वृषभ राशि को किस क्षेत्र में ज्यादा लाभ होगा? वृषभ राशि को सबसे ज्यादा लाभ इन्वेस्टमेंट में होगा। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा वृष राशि वालों। सिंह राशि के लिए? सिंह राशि वालों को प्रमोशन, खास तौर पे सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन रुकी हुई थी वो उनको मिलने के बहुत ही जल्दी आसार बन जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि आपने अभी बताया भी, कि तुला राशि के लिए भी इस बार विशेष होने वाली है महाशिवरात्रि। देखिए, तुला राशि के लिए संबंधों में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लंबे समय से कोई कड़वाहट, कोई कंफ्यूजन रिश्ते में, आपसी रिश्तों में चल रही थी, कुछ रिश्तों में तो दरार भी आ चुकी थी, लेकिन महादेव की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से तुला राशि वालों के रिश्तों में सुधार होने वाला है। वृश्चिक राशि के आचार्य जी, जैसा कि आपने बोला कि विशेष लाभ वृश्चिक राशि को होगा, तो किस क्षेत्र में? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम में दे रखे थे, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दिए हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये शिवरात्रि और इसके बाद के कुछ दिन बहुत ही अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। आचार्य जी को एक विशेष उपाय बता दीजिए, सारी ही राशियां जो उसको फॉलो कर सकती हैं। देखिए, सब राशि वालों को बताना चाहूंगा, एक डमरू लीजिए कहीं से और डमरू लेकर के किसी नजदीक मंदिर में, शिवालय में चले जाइए, कुछ देर नमः शिवाय का जप कीजिए और डमरू की ध्वनि वहां पर अपने हाथ से कीजिए। आप यकीन मानिए, ये डमरू की ध्वनि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और ये उपाय भी बड़ा दुर्लभ है, आप आसानी से इसे कहीं जानेंगे भी नहीं, लेकिन इतना आजमाया हुआ है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह के दिन जिसने भी डमरू बजाया है और शिवालय में शिव को सुनाया है, भगवान शिव ने उसके लिए धन के अनंत अंबार खोल दिए। तो शिवरात्रि के दिन के लिए कुछ खास उपाय हमने आपको बताए, पूजा कैसे करना है और पूजा की विधि क्या है, शुभ समय आपके लिए क्या है।